अगर आप जानना चाहते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक में कौन सा एसॉर्ट कैशबैक चल रहा है डेबिट कार्ड पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेल हे गाइस, वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है आशीष कुमार। आज इस वीडियो हम यही बताएंगे कि किस तरीके से जो एसॉर्ट जो वाउचर है वो आप कैसे ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दो अकाउंट डिफरेंट अकाउंट के बारे में, यानी वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड और वीज़ा क्लासिक अकाउंट, दोनों दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं, हम चल लाइफ स्टाइल से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो लाइफ स्टाइल बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। जैसा पिछले दो वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरीके से पिछले दो वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि IDFC फर्स्ट बैंक का सिग्नेचर डेबिट कार्ड अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और सिग्नेचर डेबिट कार्ड पे आपको कौन कौन से कैशबैक ऑफर बोला है, डिटेल उसमें हम रिव्यू कर चुके हैं। आज हम कंपेयर करेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक में आपको क्लासिक डेबिट कार्ड के साथ कौन से ऑफर्स, कैशबैक इंस्टॉल्ड जो वाउचर वो मिलेंगे, और या सिग्नेचर डेबिट कार्ड पे कौन से इंस्टॉल्ड। तो कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेहतर है कैशबैक या के फॉर्म में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक का आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो खोल लेना है, वेब मोड में खोल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेविंग अकाउंट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए कर भी देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे ऊपर टॉप पे आपको सेविंग अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आंसर पे दिखेगा, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आपको सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो सेविंग अकाउंट जो पहला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि इसी के अंदर नॉर्मल जो पर्सन होते हैं, यानी सैलरी अकाउंट नहीं है या कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं है, तो अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे दो चीज़ देखने मिलेगी। अगर अकाउंट खोलना चाहते हो तो ये सामने वाला प्रोसेस है, अपना नाम फिल कीजिए, डिटेल्स फिल कीजिए और डेफिनेटली आप इसको खोल पाएंगे। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में कर रखा है, जो IDFC फर्स्ट बैंक प्लेलिस्ट में आप जाइएगा वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऑफर आपको जो 3000 का जो कैशबैक अप टू दिख रहा है यहाँ पे आप जैसे नो मोर पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये डिटेल्स आने सामने में आपके रिव्यू हो जाएंगे, मतलब दिखने लगेंगे आपको। तो सेविंग अकाउंट विद वीज़ा डेबिट कार्ड के साथ जो ऑफर्स, जो कैशबैक वाउचर मिलेंगे, ये एक लेफ्ट साइड में है और जो क्लासिक वाला ये इस साइड में है। दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको सिग्नेचर डेबिट कार्ड अकाउंट क्यों लेना चाहिए। दोनों अकाउंट में वेरियस बहुत सारा अंतर है फीचर्स के मामले में और तमाम चार्जेस के बारे में। जो वीज़ा सिग्नेचर है उस पर कोई चार्जेस ऑलमोस्ट नहीं लगते हैं, जहाँ तक मैंने पता किया है जो मैंने ओपन किया था, ठीक है। और क्लासिक में 10,000 मेंटेन करना है, वीज़ा पे आपको 25,000 आपको मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन करने के बाद ही आप जो भी आप पैसे डालेंगे उस पर ट्रांजेक्शन करेंगे, डेफिनेटली कोई चार्जेस नहीं है। और क्लासिक में आपको 10,000 मेंटेन करना है, लेकिन इसमें लिमिटेड है। तो इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जो हम जब फीचर्स की बात करेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कैशबैक ऑफर के बारे में, जो इंस्टॉल्ड वाउचर आपको मिलने वाले हैं, दोनों में किस में बेहतर ज़्यादा। और जहाँ तक बेहतर की बात है, ऑब्वियस है कि जो 25,000 वाला उसमें ज़्यादा ऑफर सबको देखने को मिलेंगे, एक कंपेयर टू क्लासिक जो वीज़ा डेबिट कार्ड है उसमें थोड़े से एक दो ऑफर्स कम मिलेंगे। तो हम बात जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो आपको सबसे पहला ऑफर जो दोनों में सिमिलर है वो है ₹250 का इंस्टॉल्ड वाउचर है, चाहे वो अमेजोन पे या दो तीन प्लेटफॉर्म अलग अलग है, बिग बास्केट वहाँ पे आप रिडीम कर सकते हैं, गोफर्स पे रिडीम कर सकते हैं, वो कंपलसरी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर रिडीम कीजिए, ठीक है। लेकिन ये अकाउंट जैसे आप ओपन करेंगे, आपको जो कैशबैक का आप एलिजिबिलिटी होगी वो 30 days के बाद होगी, यानी जैसे 30 दिन बीतेंगे आपके अकाउंट ओपन के, तो आपको मेल आईडी पे वो चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं सब आपको मेल आईडी पे ही, जितने भी वाउचर्स हैं वो आपको मेल आईडी पे ही मिलने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको डिस्कस करूँगा कि पहले क्या मिलने वाला। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले ऑप्शन में आपको ₹250 का इंस्टॉल्ड जो कैशबैक है वो अकाउंट ओपनिंग में मिलता है, चाहे वो 10,000 का हो या 25,000 का हो, दोनों का मेंटेनेंस अलग अलग है। दोनों के फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया। आज हम सिर्फ कैशबैक वाउचर जो आपको इन दोनों में मिल रहे हैं वो बताऊंगा, और आने वाली वीडियो में एक सीरीज लाएंगे IDFC फर्स्ट बैंक में क्या क्या है, मोबाइल बैंकिंग किस तरीके से। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है, दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे आप जब बिल पे करते हैं, यानी जैसे ही आप बिल कोई भी है बिल आपको, मतलब मोबाइल बिल हो, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या LPG गैस का बिल हो, आप जब एप्लीकेशन खोलेंगे, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आपने जैसे ही एप्लीकेशन खोला IDFC फर्स्ट बैंक का, वहाँ पे आपको डिफरेंट बिलर अकाउंट्स मिलेंगे, यानी आप रेंट दे सकते हैं, जो भी उसमें अटैच्ड है वो आप कहीं ना कहीं दे पाएंगे, और वहाँ पे आप चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा आपको देना है। और मिनिमम जो कैटेगरी है वो आपको ₹1,000 है, मतलब आप ₹1,000 का अगर देते हैं तो आपको ₹500 का इंस्टॉल जो वाउचर है वो आपको देखने को मिलता है, ये ठीक है आपको यहाँ पे इसमें मिलेगा। और आपको जो क्लासिक वाले में है
वो सिर्फ 250 रुपये मिलेंगे और इसमें आपको 500 रुपये मिलेंगे। यानी अगर आप सिग्नेचर वाले हैं तो आपको 500 रुपये बिल पेमेंट करने पे 1000 रुपये का कम से कम, और आप अगर क्लासिक हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपये आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तीसरा जो आप देख सकते हैं कि अगर आप बेनिफिशरी ऐड कर रहे हैं, आप जैसे बेनिफिशरी ऐड करेंगे आपको 2000 रुपये आपको सेंड करना है। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, आपने मोबाइल बैंकिंग एक्सेस किया या नेट बैंकिंग थ्रू आपने बेनिफिशरी ऐड किया, बेनिफिशरी ऐड करते ही आपको मिनिमम 2000 रुपये आपको भेजने हैं। जैसे ही आप 2000 रुपये भेजेंगे आपको इन दोनों में, आपको इसमें आपको 500 रुपये मिल जाएंगे, उसमें भी आपको सेम फीचर है 500 रुपये, इसमें भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ इस साइड में थर्ड जो ऑप्शन है वो आपको 500 के हैं, ठीक है। जो फोर्थ वन है, आपको अगर FD बुक करना है, आप FD की बुक करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं इस पर भी कैशबैक मिले, या RD भी आप खोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। अगर FD की बात करें तो मिनिमम 25,000, यानी 25,000 तो आपने ओपन के लिए दिए और उसके नेक्स्ट 25,000 आपने अगर दिए और आपने एक FD बुक की तो आपको नेक्स्ट 30 डेज़ के मतलब 30 डेज जैसे कंप्लीट होंगे आपके मेल ID पे 250 रुपये का जो कैशबैक है FD पे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो ऑप्शन है इसमें जो आपको देख UPI ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी 1000 रुपये का UPI ट्रांजेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपको 250 रुपये उस पर भी कैशबैक मिलेंगे। ये दोनों में ही हैं। और जो दो एक्स्ट्रा है जो आपको सिग्नेचर में मिल रहा है वो है आपको कि अगर आप फर्स्ट ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप परचेस करते हैं, कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ लिखा है अप टू 250 रुपये। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि कम से कम 2500 का कोई सामान प्रोडक्ट खरीदना है डेबिट कार्ड के, या स्वैप करें या ऑनलाइन करें, तब आपको 250 रुपये वो आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में है कि स्पेंड कम से कम अगर आपने एक महीने के अंदर आपने 20,000 रुपये का कोई सामान प्रोडक्ट परचेस किया तो आपको 1000 रुपये का कैशबैक आपको मतलब अमेजॉन वाउचर वो आपको देखने को मिले। तो ये सब एक्स्ट्रा फीचर अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई ऑफर्स में नहीं है लेकिन ये ऑफर आपको देखने को मिलेगा। ये एक बाकायदा ये एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन ऑफर है। और ये सारे वाउचर आपको 30 डेज़ के बाद मिलेंगे और ये जो वैलिड रहेगा आपके डेबिट कार्ड पे वो सिर्फ 30 डेज़ के अंदर ही रहेगा। जैसे आपने आपको इशू हुआ 30 डेज डेबिट कार्ड, उसके अंदर आपको 30 डेज़ के अंदर ये सारे ट्रांजेक्शन कर लेने हैं अकाउंट ओपनिंग के बाद, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद, लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। कुछ पूछना है आप डेफिनेटली आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी अपने रिप्लाई या कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।